अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय साथ ब्लॉगर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट डिज़र्ट की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और ये बनके तैयार हो जाएगी विद इन 15 to 20 मिनट्स। बहुत इजी रेसिपी है और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, इस मज़ेदार डिज़र्ट के लिए हमें चाहिए आगरा आगर की शीट्स, इसे चाइना ग्रास भी कहा जाता है और ये आपको किसी भी सुपरमार्केट से इजीली मिल जाएंगी। ये 25 ग्राम की हैं और मुझे इसमें से 10 ग्राम चाहिए। तो इन शीट्स को एक कप पानी में भिगो के रख देंगे और अगर आप लोग अगर अगर का पाउडर यूज़ कर रहे हो तो वो आप लोग 2 टीस्पून पाउडर उसको ऐड यूज़ कीजिएगा। और साथ ही हम लोग 500 ml दूध है जिसको बॉयल आने देंगे और इसके बाद इसमें आधा कप हम लोग चीनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जब चीनी इसमें डिसॉल्व हो जाए ना तो इसको तब तक हम लोग पका लेंगे। अब यहाँ पे दूध को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है और इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। और अब हमें क्या करना है कि जो हमारी स्ट्रिप्स हैं जिसको 5 से 7 मिनट हो चुके थे भिगोए हुए, उसको हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से जो है वो इसको हम लोगों ने पका लेना है। और इसको चम्मच को हम लोग हिलाते जाएंगे ताकि जो स्ट्रिप्स हैं वो अच्छे से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएं। तो विद इन 2 मिनट्स जो सारी स्ट्रिप्स हैं वो अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये डिज़र्ट और बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगते हैं और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। और दोस्तों, अगर आप लोग भूल गए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये आगर आगर का जो मिक्सचर है ये हमारा अच्छे से जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। अब हम इसको भी साइड पर रख देंगे और अब हमें क्या करना है, जो दूध हम लोगों ने बॉईल किया हुआ था उसको दोबारा से स्टोव पे रखेंगे और गर्म करने के बाद इसमें हम लोग 1.5 टेबल स्पून 1.5 चम्मच जो होता है वो कोको पाउडर ऐड करेंगे और किसी भी विक्स की मदद से अच्छे से इसको जो है हम लोग विक्स कर लेंगे। तो विद इन 2 मिनट्स जो है ये अच्छे से कोको पाउडर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छे से। और अच्छे से यहाँ पर आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि किसी भी किस्म के लम्स यहाँ पर पैदा ना हों। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा आगर आगर का मिक्सचर, अच्छे से जो कोको पाउडर है वो ऐड कर वो मिक्स करने के बाद इसमें हमने आगर आगर जो है वो ऐड कर दिया है और अब हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और अब हमें क्या करना है कि डार्क चॉकलेट 120 ग्राम डार्क चॉकलेट इसमें ऐड करेंगे। आप किसी भी किस्म की डार्क चॉकलेट जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं और लेकिन इसकी क्वालिटी का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप अच्छी ही क्वालिटी की चॉकलेट जो है वो इसमें यूज़ करें, क्योंकि जितने आप लोग अच्छे इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करेंगे तो आपका जो डिज़र्ट है वो उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। और हमें इसको इतना ही पकाना है कि चॉकलेट अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, इसके बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है और इसको आप लोग गरम गरम ही स्ट्रेन कीजिएगा, अगर क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको स्ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अच्छे से इसको स्ट्रेन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा जो है ना वो आप लोगों का टेक्सचर होना चाहिए और इसको किसी भी आप लोग मोड में आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा। इसको हम लोग डाल देंगे किसी भी किस्म का, आप लोगों के पास कोई भी घर पर बर्तन मौजूद है आप लोग इसमें तो किसी भी बर्तन को यूज़ करते हुए आप लोग इसका
सांचा बना लें। और किसी भी मॉड को, महंगे मॉड को खरीदने की आप लोगों को जरूरत नहीं है इस डिजर्ट के लिए। चाहे तो इसको गोल जो शेप का बॉल है उसमें डाल लें आप लोग, या आप लोगों की टोटली अपनी मर्जी है। तो जो बच गया था उसको भी मैंने एक छोटे से बाउल में डाल दिया। तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप लोग कोई मोल्ड खरीदते फिरें। 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। अब ये अच्छे से सेट हो चुका है और इसको हमने अब हम लोगों ने इसको डीमोल्ड करना है। एक प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे तो ये बहुत ईजीली जो है ना वो डीमोल्ड हो जाएगा। और अगर थोड़ा मुश्किल हो तो इसके ऊपर आप लोगों ने मोल्ड को उल्टा करके ना तो थोड़ा पानी आप लोग ऐड कीजिएगा टैप से, तो जब पानी ऐड करेंगे तो वो उससे जो है वो बहुत अच्छी डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट डिज़र्ट जो है वो रेडी हो चुका है। और बिल्कुल 15 से 20 मिनट में इसको हम लोग रेडी कर सकते हैं और बहुत ईजी बहुत टेस्टी बनता है। और इसका टेस्ट जो है वो किसी अच्छे होटल अच्छे रेस्टोरेंट में खाने वाला जो डिज़र्ट होता है ना उससे कम नहीं होगा। और अब बारी आ जाती है इसकी खूबसूरत सी कटिंग की। तो आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं देखने में भी। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे मुँह में घुल जाने वाला जो डिज़र्ट है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और दूसरा ये बहुत टेस्टी बनता है। तो रेसिपी कैसी लगी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में, मुझे आप लोग ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।